Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGCNET YouTube channel and I'm here your UGCNET paper 1 faculty Preeti. So जैसे कि आपको पता है आपका जो examination है back to back आपका phase 1, phase 2, phase 3 आपका 6 तक over हो जाएगा और जल्दी phase 2 आपका आने वाला है. तो स्वयं के काफी क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं. भी आपको पता है स्वयं अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है. इसके रिलेटेड मॉक है, मॉक क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेटर्स पे भी क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर्स में बात करो और अब की बार भी क्वेश्चन बने हैं और बनने के आगे भी चांसेस हैं. तो इसके कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेटर कौन से सेक्टर के साथ डील करता है. तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि मैम किस तरीके से इसको याद करें कोऑर्डिनेटर्स को. तो आज इसका मैं एक ट्रिक आपके सामने लेके आई हूँ. पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा कोऑर्डिनेटर किस चीज के साथ डील करता है, ठीक है, भी कौन सा सेक्टर में वो डील करता है. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस इज माई टेलीग्राम. आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट PDF इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए. और जो भी स्टूडेंट जून साइकिल को टारगेट करता है उसका पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. प्रीति एच अप्लाई कोड करेंगे तो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा. पेड के फायदे क्या है कि आप लोगों को 360 डिग्री मिलेगा पूरा पेपर का. आपको बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा जो भी सारी चीजें हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स. तो जैसे कि आपको पता है मेरी क्लासेस के अंदर ऑलवेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा डेप्थ के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ PYQ से आपका काम नहीं चलेगा, राइट. तो कॉन्सेप्ट प्लस PYQ दोनों साथ में चलेंगे. चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आपको पता है स्वयं के अंदर आपके 9 कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं. स्वयं ने 9 कोऑर्डिनेटर्स को एक तरीके से रखा हुआ है अपने पास. तो ये कोऑर्डिनेटर अलग अलग ब्रांचेस में डील करते हैं. कोई स्कूल एजुकेशन के साथ डील करता है, सम डील विद आउट ऑफ स्कूल, सम अंडर ग्रेजुएट, कुछ PG ग्रेजुएट एजुकेशन के साथ, कुछ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ, और कुछ है सेल्फ पेस लर्निंग के साथ. अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करने का कोशिश करिएगा. अगर मैं स्कूल की बात करूँ, ठीक है, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आता है या फिर NCERT आता है. पहली चीज क्लियर हुआ, ओपन स्कूलिंग वर्ड से याद आ जाएगा कि मैम ने ओपन स्कूलिंग बताया था. देन इट डील विद स्कूल एजुकेशन, ये इनके सेक्टर्स है, ठीक है. ये नीचे जो दिए हैं दीज आर कोऑर्डिनेटर्स, कौन सा कोऑर्डिनेटर किसके अंडर आता है, ये परफेक्ट टेबल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है. तो कोऑर्डिनेटर प्लस इसका सेक्टर क्या है NIOS और NCERT का, स्कूल एजुकेशन. अब बच्चा जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल आते ही उसको क्या करती है, इग्नू वेलकम करती है. क्या करती है, इग्नू. इग्नू इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. आई डोंट थिंक सो किसी भी स्टूडेंट ने इसका नाम नहीं सुना होगा. ऑलरेडी आप लोग इस चीज से अवेयर है आउट ऑफ स्कूल. तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसे आता है. UG प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है NPTEL. NPTEL किससे डील करता है, इंजीनियरिंग एजुकेशन से, ठीक है. और NPTEL आपका इस तरीके से है कि ये आपके UG ग्रेजुएशन के साथ भी, अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के साथ ये डील करता है. और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग. देन आता है IIM बैंगलोर, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, और CEC कंसोर्टियम एजुकेशनल कम्युनिकेशन. तो ये तीन आपके डील करते हैं अंडर ग्रेजुएट के साथ. सेम अब आ जाता है आपका अगेन NPTEL, मैंने बताया ये UGPG दोनों के साथ करता है. मैनेजमेंट की एजुकेशन है तो अगेन यहाँ भी आपका IIM है, बैंगलोर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये आपकी PG एजुकेशन के साथ डील करती है. आई गेस सभी को ये चीजें क्लियर है. टीचर ट्रेनिंग की बात करूं तो एक ही नाम उठ के आता है, इट्स NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च. और सेल्फ पेस की बात करते हैं तो इट्स AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स को भी पता होना चाहिए और कौन से सेक्टर में ये डील करता है ये चीज आपको पता होना चाहिए. अब इसका एक छोटा सा ये टेबल देख लीजिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर एंड देयर सेक्टर तो मैंने आपको समझा दिए हैं. अब इसको याद कैसे रखेंगे, नो है आपके तो मैम इसको याद कैसे रखें. तो याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, UNC, ठीक है, हम बोलते ना UNC, पागल सी, अच्छी सी, बुरी सी. तो ये क्या है UNC, U4 क्या है UGC, N4 क्या है NPTEL, राइट है, N4 NPTEL, C4 क्या है CEC, और I4 क्या है मेरा, दिस इज माई इग्नू.
ये किसके साथ करता है? पीजी के साथ. एनपीटीएल यूजी और पीजी दोनों के साथ करता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम. सीईसी आपका किसके साथ करता है? यूजी कोर्सेज के साथ. इग्नू क्या है आपका? आउट ऑफ स्कूल. याद हुआ? यूएनसी, पागल सी, अच्छी सी, बुरी सी. ठीक है, अब नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? इट्स एन आई एन ए, नीना. नानी सब जानते हैं नानी को, है ना? नानी का उल्टा क्या है? नानी का उल्टा नीना है. तो नीना के अंदर आप लोग क्या करेंगे? हेयर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी डील विद स्कूल एजुकेशन. दूसरा एन जो है हमारा, अगेन दोनों स्कूल को इकट्ठा लिखना है हम लोगों ने, एनसीईआरटी और एनआईओएस. एनआईओएस आपका ओपन स्कूलिंग है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी ये बात करता है. ठीक है, देन उसके बाद आई आपका क्या आ जाए? ये मैनेजमेंट कोर्सेज को डील करता है. ठीक है, मैनेजमेंट कोर्सेज ये स्कूल के लिए है. अगर आपके लिए वर्ड यूज कर देना आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन क्लास 5th to 12th, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तब भी आपका एनआईओएस ही आएगा, राइट? देन मैनेजमेंट की बात आता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर आएगा. फिर टीचर की ट्रेनिंग करनी है तो NITTR, और ए आपका क्या आ जाएगा लास्ट में? AICT, डील विद सेल्फ पेस एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, राइट एवरीवन? सो दिस इज द वीडियो जो कि मैंने आपको, कोऑर्डिनेटर्स और सेक्टर. ट्रिक क्या है? यूएनसी, पहला वर्ड आपका यूएनसी याद रखना है. फिर नानी का उल्टा क्या होता है? नीना आपको याद रखना है, राइट? एक क्वेश्चन देखिए, 2019 में आपसे पूछा गया था कि ये कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के, तो उसके प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग आपको इसको मैच करना है. आप इसको मैच कर सकते हैं. मैम ने बताया है NITTR, TRRR, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाता है, राइट? NPTEL डील विद इंजीनियरिंग. अब देखो, अगर आपके सामने ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन ले लिया है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे. NCERT और NIOS दो हैं, ये स्कूल के साथ करते हैं. CEC किसके साथ है? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ. सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू. सो डू लाइक इट, डू शेयर इट मैक्सिमम, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट काइंड ऑफ अपडेट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. हर स्टूडेंट कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देगा कि आपको वीडियो ट्रिक कैसा लगा. बाकी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा. फॉर एनी डाउट यू कैन कनेक्ट विथ मी, PRITI_HWDA7987. टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. और जून साइकिल पे जो टारगेट करते हैं पेड कोर्स के लिए, मेरे पेड कंप्लीट कोर्स के लिए, प्रीति एच कोड जरूर अप्लाई करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. थैंक यू वंस अगेन गाइस.